आगे आप देख सकते हैं यार, बढ़िया ब्रीज है हमारा। ये करने के बाद इसके अंदर अंदर तक मसाले रह जाते हैं। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं ऐसी शुरुआत क्यों कर रहा हूं, तो बाकी यार दिखाता हूं आपको एक चीज। सो हेलो गाइस, नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुस्तफा, और कैसे हो आप लोग। तो गाइस मैं आपको दिखाने वाला था, अभी हमने नया फ्रिज लिया है, तो आप देख सकते हो बढ़िया फ्रिज है यार। गाइस अभी मतलब हमें ये लेना इसलिए पड़ा है, वैसे पुराना फ्रिज भी ठीक था पर बाकी वो बहुत छोटा हो गया था, तो उसमें सामान नहीं आ पाते थे। तो खाने वाने का चीजें का शौकीन हूं मैं, तो बाकी और सारी चीजें भी रखता था, तो उसमें सामान नहीं आ पाते। तो बाकी आप देख सकते हो यार, ये तो शायद जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनता है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। तो ये रेसिपी में बने रहना, पूरी देखना, तभी मजा आएगा। तो बढ़िया सी रेसिपी बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं मैरिनेशन। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद डालना है इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च। तो गाइस ये है लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट, विनेगर है, व्हाइट विनेगर है, उसका यूज भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। तो क्या होता है, इसके अंदर तक मसाला अच्छे से पहुंच जाता है। इसी डाल देनी है देगी मिर्च, देगी मिर्च देगी आपको अच्छा कलर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसाला हर जगह तक पहुंच जाए, और इसको प्रेस करते रहना है अच्छे से मीट को। बाकी आप देख सकते हो अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया है ये, और इसके बाद अब मैं इसको डाल देता हूँ फ्रिज में। अब आगे आप देख सकते हो बढ़िया फ्रिज है हमारा, फ्रीजर में डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टाइम है नहीं मेरे पास, इसलिए फ्रीजर में डाल रहा हूँ। तो गाइस इसको तो रख दिया हमने फ्रिज में, और इसको रखेंगे हम आधा से एक घंटे के लिए। तब तक मैं प्याज व्याज काट दिए, और उसके बाद आपको इसके मसाले बनाते हुए लेके जाता हूँ। तो चलते हैं यार मसाला बनाते हुए। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें तेल, सरसों ऑयल यूज कर रहा हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेल में से बदबू आती है, मतलब जैसे एक महक आती है अजीब सी, तो उसको हटाने के लिए कुछ छींटे ले लेने हैं हमें पानी के, और इससे ये होगा जीप सी महक आती है सरसों के तेल में से, वो चली जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तो बाकी इसको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। हमने पेस्ट बनाया था लहसुन और मिर्ची का, उसको ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी ये पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो प्याज अच्छे से भून चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्म आंच में करके छोड़ दिया, इस पे ध्यान देते रहना प्रॉपरली थोड़ी थोड़ी देर में, तो अगर एक आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी प्याज पूरे जल जाएंगे। तो बाकी अब हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। गाइस हमें इसे अच्छे से पकाना है, इसके सारे मसाले अच्छे से पक जाए, इतनी देर तक हमें इसे पकाना है। आप बाकी देख सकते हो कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसको हमें ढक्कन मार के रख देना है, तो हमें इसे अच्छे से पकाना है, मतलब जो टमाटर होते हैं ना उसका टेस्ट भी मतलब कच्चे ना रह जाए, इसीलिए उसको अच्छे से पकाना है हमें। तो थोड़ी देर से रख देता हूँ, तब तक क्या देखोगे आप, डांस तो बहुत टाइम से किया नहीं है मैंने, तो डांस पहले पानी पी लेता हूँ। गाइस क्या स्टाइल मारने का मन करता है, स्टाइल मारने का पूरा मन करता है यार, फ्रिज ले रहे हैं ना तो स्टाइल तो मारना पड़ेगा ना, सॉरी। तो गाइस आपको मेरा नया हेडफोन कैसा लग रहा है जिससे मैं आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आवाज थोड़ा सा सही आया है कि नहीं आया है। बीच में भूल गया था, पता क्या हुआ, मैंने ना इसे बोले वीडियो बनाना शुरू तो कर ली, और उसके बाद ना इसे ऑन करना रह गया, आवाज फोन में वही वाली आ रही थी, मतलब बहुत तेज आवाज आ रही थी, बाद में पता लगा था फिर मैंने ऑन किया, तो आधी वीडियो के बाद आपको बता रहेगा कि हाँ भाई आवाज में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, कहाँ सही है, तो कमेंट करना अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है, इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा चिकन ठंडा ठंडा हो चुका है, अब इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। तो गाइस इसको हमें हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि इसके पीस टूट सकते हैं, तो हल्के हाथ से ही चलाना, बाकी आप देख ही सकते हो यार। तो गाइस इसको हमें थोड़ी देर तक सिम, मतलब तेज आंच में पकाना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने टमाटर वगैरह के लिए किया था, इसको भी तेज आंच में पकाना है, उसका सिम करके इसको कम से कम नहीं भी तो 15 से 20 मिनट तक सिम आंच में ही पकाते रहना है। इसके बाद इसका जो फ्लेवर होता है, मसाले अच्छे से चिकन के अंदर घुस जाते हैं, बाकी जैसे रबड़ जैसा हो जाता है ना, अंदर तक मसाले नहीं होते, तो इस ये करने के बाद इसके अंदर अंदर तक मसाले रह जाते हैं। तो हम 15 मिनट बाद मिलेंगे आपसे, तब तक ये थोड़ी देर तक हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मीट ने अपना पानी छोड़ दिया है, और तेल भी बराबर करके छोड़ दिया है, अच्छे से पक चुका है थोड़ा बहुत। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, वही दही को थोड़ा सा फेंट लो अच्छे से, फिर इसको एक बार अच्छे से चला देना है, कि इसको चलाते हुए आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आराम से चलाना है, अगर आप इसे तेज़ी में चलाओगे तो ये पीस टूट जाएंगे,
तो आराम आराम से चलाते रहना है। मतलब आप इसको सिम में ही पकाना, तेज में बहुत ही कम पकाना, एक बार के लिए से हीट अप, जैसे कोई भी चीज मिला रहे हो तो हीट अप होने के लिए एक बार हाई फ्लेम करना, उसके बाद स्लो फ्लेम पे पकाना, इससे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पकता है। तो गाइस इसमें बस एक चीज रह गई थी, वो है चिकन मसाला, वो इसमें हमें ऐड कर लेना है। और लास्ट में हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, वाटर लेना है हमें। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने टेबल में और आप देख सकते हो यार मीट का कलर, और बाकी मैंने इसको धनिया से गार्निश कर दिया है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं, चावल निकाल लेता हूं अपने लिए। तो गाइस ये बाकी जीरा राइस है और आप चिकन देख सकते हो यार, पीस ले लेता हूं ये। गाइस आप देख सकते हो यार बेहतरीन लग रहा है, एक रोटी ले लेता हूं। तो हम ले लेंगे थोड़ा सा प्याज जो कि मैंने गोल गोल काटने की कोशिश की थी और मेरे से कटा नहीं, और ले लेंगे खीरा। तो गाइस एक बाकी देसी खीरा है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है और कितना मोटा खीरा है, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। सबसे पहले मैं रोटी के साथ ट्राई करूंगा इसे। मीट का पीस अच्छे से गल चुका है, मतलब ज्यादा गला भी नहीं है, बढ़िया बढ़िया अच्छे से टूट रहा है। तो बाकी इसके साथ थोड़ा सा प्याज लगा लेंगे हम। मस्त, ये इसके अंदर अंदर तक, मतलब मीट के अंदर अंदर तक अच्छे से मसाला पहुंचा है। हर कोने में अच्छे से मसाले का टेस्ट पहुंचा है, नमक भी हर जगह से बढ़िया है। हम लेते हैं एक बार चावल के साथ, थोड़ा सा इसमें पीस तोड़ देंगे, ये गर्म बहुत हो रहा है। मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है मुझे, तो फिर भी आई विल ट्राई। मस्त, बढ़िया लग रहा है यार, चीज का फ्लेवर अलग तरीके से आ रहा है, दही का फ्लेवर आ रहा है मुझे, थोड़ा खट्टा, हल्का सा खट्टा, मतलब ऐसा खट्टा नहीं कि जैसे बहुत ज्यादा खट्टा होगा, पर थोड़ा खट्टे का फ्लेवर आ रहा है, हर एक चीज का फ्लेवर अच्छे से आ रहा है। अहम बात होती है मीट अच्छे से कुक हो चुका है, देख सकते हो, आपको तोड़ के दिखाता हूँ, मीट अच्छे से खुल रहा है, मतलब अच्छे से कुक हो चुका है। मिर्ची में थोड़ी सी जान थी गाइस, ऐसा नहीं है मिर्च थी। आपसे इतना ही कहूंगा कि आपको ट्राई कर सकते हो, घर पे खिलाओ अपने दोस्तों को, अपनी बीवी को बना के खिलाओ, अपनी मम्मी पापा फैमिली में जो भी है उनको बना के खिलाओ, उन्हें एक बार टेस्ट कराओ, मतलब बेस्ट रेसिपी है, मैं बोलता हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बाकी बहुत सारे चिकन, चलो बटर चिकन होता है, अफगानी चिकन होता है, इन सबसे अच्छा मुझे ये चीज लगती है घर पे बना हुआ देसी चिकन अपने हाथ से, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बेहतरीन लगता है। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस आपसे ऐसे ही मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई रेसिपी के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और बाकी अपने 2000 सब्सक्राइबर होने वाले तो उसको कंप्लीट करवाओ यार, क्या कर रहे हो, करवाओ। तो मैं लेता हूं खाने का इंटरेस्ट, आप तब तक सब्सक्राइब करो और नई वीडियो के लिए इंतजार करो। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।